हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 और टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है द ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। इन दो इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है। फिर क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय दियर लाइंस। जो इनका ग्राफ बन रहा है वो जो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और फिर एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ से कह रहा है जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं और एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। हमें बताने हैं वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो जो तीन पॉइंट्स बन गए ट्रायंगल के वर्टिसेस के जो हमारे पास है उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। यहाँ पर लेंगे हम इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0, दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। पहले हम निकालेंगे इसके सॉल्यूशंस। हम लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसका रखेंगे नाम फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन सेकंड। पहली इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, निकालेंगे इसके सॉल्यूशंस। यहाँ पर हम लेंगे एक्स इक्वल टू, ये वाई साइड बनेगा प्लस वाई माइनस 1, प्लस से बनेगा माइनस 1। अब पुट करेंगे वैल्यू, पुट वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वाई इक्वल टू हम लेंगे 1, एक्स बन जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, हो गया हमारे पास 0,1 बन गया सॉल्यूशन। दूसरा हम लेंगे पुट y इक्वल टू 2, एक्स क्या बनेगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1,2। अब लेंगे हम टेकिंग इक्वेशन सेकंड, वो क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, हो गया 3x इक्वल टू, ये साइड जाएगा ये बनेगा 12 इस साइड, क्योंकि प्लस वाला पहले लेंगे माइनस 2y। हमें x चाहिए, x इक्वल 12 माइनस 2y डिवाइडेड बाय 3। अब पुट करेंगे वैल्यू, पुट हम लेंगे पुट y का वैल्यू, y इक्वल टू 0, जब हम y 0 लेंगे x बन जाएगा हमारे पास 12 माइनस 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 3। एक्स इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 हो गया 0 डिवाइड बाई 3, हो गए 12 डिवाइड बाई 3 हो गया 4, ये बन गया 4,0। अब लेंगे हम सेकेंड, पुट y इक्वल टू 3, ये हम 3 लेंगे, ये आएगा एक्स इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, इसलिए मैं वो वैल्यू ले रहा हूँ जिसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ x आ जाएगा 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, ओके 6 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2, बन गया हमारे पास 2,3। अब इनका हम बनाएंगे ग्राफ। ये हमारे पास दो इक्वेशन के वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पर इनका ग्राफ बनाएंगे। पहले x 0 हो गया, x यहाँ पर कुछ नहीं हो गया 0, y 1 हो गया, इसके यहाँ x कुछ नहीं है हो गया, वाई 1 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, हो गया यहाँ पर x 0 और y 1, x हमें यहाँ भी नहीं जाना, यहाँ भी नहीं जाना, y पे हमें पॉइंट है। अब x 1 हो गया 1 और y है 2, जब ये 1 होगा ये 2 होगा, यहाँ इसके सीध में हो गया 1,2। अब इस पर हम बनाएंगे इक्वेशन, लाइन हमारे पास ऐसे, ये हमारे पास लाइन इसकी बन गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, पहले जो 4 एक्स है 4 हो गया 4, वाई इस वक्त कुछ नहीं होगी, यहाँ पे 4,0, वाई भी हमें जाना नहीं। एक्स है 2, एक्स 2 वाई इस वक्त 3, ये इसके सीध में हमने यहाँ जाना है, पे हमने लगाना है वैल्यूज, इसे हम लगाएंगे, ये बन गया इसका ग्राफ। अब पॉइंट कहाँ पर, एक्स एक्सिस को ये टच कर, यहाँ पर इसका नाम ए रखेंगे, इसका बी और इसका सी। अब यहाँ पर देंगे एक्स के, ए के कोऑर्डिनेट्स के हैं माइनस 1 और वाई 0, हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ
ट्रायंगल एबीसी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 0, बी के क्या हैं, बी ए 4,0, और सी के क्या हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे सी ये है 2, और यहाँ पर हमारे पास ये 2 है और यहाँ पर 3 है, ओके एक्स है 2 और वाई है 3, सी एक्स है 2 और वाई 3, ये बन गया मेरे पास जो हमें निकालने थे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो, थैंक यू।